हमारे मुख्यमंत्री महोदय को बेरोजगार यात्रा की शुभकामनाएं देता हूं। हेमंत सोरेन के मुंह में हाथ डाल के उसके कलेजे से ये नियुक्ति निकाले हैं। हम लोग अब हेमंत सोरेन के मुंह में हाथ डाल के उसे कलेजा से नौकरी छीन के निकालने का काम करेंगे। अभ्यर्थी गैर पारा शिक्षक के सारे लोग राज्य भर से यहाँ पे मौजूद है और कहीं ना कहीं उन्होंने त्रिवेणी यात्रा जो है यहाँ पे निकालने के लिए सारे लोग एकत्रित तो हो चुके हैं और ये सारी यात्राएं जो है पैदल मार्च निकाल करके जगन्नाथ महतो के आवास, शिक्षा मंत्री के आवास जो है पहुंचेगी और अपनी मांगों को रखेगी। तो हम इन लोगों से जानेंगे कि क्या कुछ है इन लोगों की मांगे। आप लोग अनदेखा कर रही है तो क्या ये सही है? और जिस तरह से आप लोग राज्य भर से फिर से यहाँ पे एक बार मौजूद है, त्राहिम यात्रा आप लोग निकाल रहे हैं, क्या लगता है कुछ होगा? सबसे पहले तो मैं हमारे मुख्यमंत्री महोदय को बेरोजगार यात्रा की शुभकामनाएं देता हूँ। उन्होंने जिस तरह जोहार यात्रा, खतियानी जोहार यात्रा निकाले हैं, तो हम लोग भी आज, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मैं भी बेरोजगार यात्रा में आज इधर आया हूँ। और जिस तरह के पंचायत सचिव की बात कर रहे हैं, वो तो विद्यार्थी, वो लोग हेमंत सोरेन के मुंह में हाथ डाल के उसके कलेजे से ये नियुक्ति निकाले हैं। तो अब हम लोग 2013 और 2016 जेटेड जो उत्तीर्ण विद्यार्थी हैं, ये लोग हम लोग अब हेमंत सोरेन के मुंह में हाथ डाल के उसे कलेजा से नौकरी छीन के निकालने का काम करेंगे। और हम लोग सात साल से रोड में धूल फांक रहे हैं और हमारे राज्य के बच्चे उधर अनपढ़ गंवार बन के गांव घर में चोरी चपट्टा करने सीख रहे हैं। इसका एकमात्र कारण है कि राज्य में शिक्षा बहुत ही चरमरा गई है। क्या लगता है कि उतने दिन से सरकार गूंगी बहरी बन के बैठी हुई है आप लोगों के लिए, तो क्या लगता है अब जो है सरकार इस पे गौर करेगी? सरकार गौर करना चाहिए, क्यों नहीं करेगी? हाँ, वो क्योंकि 5 साल ही उसके पास कुर्सी रहती है ना। अगर मैं कुर्सी की एक पांव अगर घसका दूँ ना, तो पता है वो गिर के क्या हो जाएंगे? वो हम लोग देसी भाषा में बोलते हैं काकरा पीठा, उस तरफ फूल जाएंगे वो। और इसीलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जो 50,000 की जो आप पद स्वीकृत करवाए हैं, सृजित करवाए हैं, उसकी जल्द से जल्द बहाली कराएं। बस इतना ही कहूँगा और हमारे साथी कुछ कहेंगे। जेटेड सफल अभ्यर्थी और गैर पारा शिक्षक के लोग यहाँ मौजूद है, आप लोग दो लोग सारे यहाँ मौजूद हैं, क्या कहेंगे? देखिए, इसके बारे में हम लोग इसीलिए इकट्ठा हुए हैं कि जिस तरह शिक्षक की वेतन को घटा दिया है, डिफरेंट टाइप की स्कूल में टीचर कर रहे हैं, डिफरेंट टाइप की स्कूल में छात्र सुने हैं कि डिफरेंट टाइप की स्कूल में छात्र होते हैं, कई कमजोर होते हैं, अब शिक्षक डिफरेंट टाइप का बना रहा है। जी, आपको ताजुब होगा देखने में कि एक टीचर एक स्कूल में 90,000 उठा रहा है, जो 8,000 वाला टीचर भर्ती हुआ था 1986-90 में, वो हुआ एक 2003 में हुआ, वो भी 80,000 उठा रहा है। पारा टीचर 18,000-15,000, फिर एक बोला आचार्य टीचर करेंगे, आचार्य टाइप का टीचर करेंगे, समझे ना, पता नहीं कौन टीचर है, फिर बोला संविदा टीचर करेंगे, ठीक है ना। और एक बात कह रहे हैं कि इस तरह के लड़वाइए मत, झारखंड के स्कूलों को लड़वाइए मत। आपको ज़्यादा इंक्वायरी करना तो स्कूल में जाकर कीजिए, बच्चों को क्या चाहिए, टीचर चाहिए, ठीक है, टीचर चाहिए तो समान कान भी, समान वेतन वाला भी टीचर चाहिए ना, तो समान वेतन का टीचर दीजिए आप, जो एक टीचर एक ही तरह का टीचर दीजिए। ताजुब की बात है, आप लोगों को भी कंफ्यूज आ जाएगा कि सहायक टीचर कर रहे हैं, अरे सहायक टीचर है क्या, इसकी नया गूगल में परिभाषा निकालना पड़ेगा, पता है आपको सहायक टीचर है क्या? असिस्टेंट टीचर, कभी पारा टीचर को सहायक टीचर किया जा रहा है, किसी पर संविदा टीचर को कि फिर से एक बार सहायक टीचर बनाएगा, वो भी संविदा सहायक टीचर है क्या, ये समझ में नहीं आ रहा। सरकार बोलता है 25,000-20,000 टीचर करेंगे, ये करेंगे, कम वेतन में करेंगे, ये करेंगे, एक बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा, कम वेतन में किसको कम वेतन दे रहा है? जो ग्रुप कहीं ना कहीं लगातार आप लोग की मांग रही है, आप लोग कई बार विरोध प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन भी किए हैं, पर इस पे गौर नहीं कर रही है, गौर नहीं कर रही है। ये सरकार निकम्मी सरकार है, क्योंकि जब झारखंड में झारखंड का सरकार नहीं था, तब बोल रहा था कि मेरा संख्या बल नहीं है, मैं संख्या सरकार में नहीं हूँ, इसी के चलते आप लोगों का बहाली नहीं हो रहा है। उस टाइम रघुवर का सरकार था, तो हेमंत जी ने हम लोगों को बोला था कि हम सरकार में आएंगे, सरकार में आएंगे, सत्ता आप लोग हमको सौंपिए, तो हम आपको झारखंड में अच्छा सिखा देंगे। तो अच्छे शिक्षा के बदले हम लोगों को तो ठगा जा रहा है। 2012 का नियमावली के आधार पर हम लोगों का एग्जाम हुआ था, 2016 में हम लोग टेट पास किए हैं, तो 2016 से हम लोग वेट ही कर रहे हैं
कि हम लोग कभी टीचर बनेंगे। कहीं ना कहीं आप लोग अभी शिक्षा मंत्री की आवाज जा रहे हैं आप लोग पैदल मार्च करके। जी शिक्षा मंत्री ये बताए ना, कभी बोलते हैं 26,000 शिक्षक लेंगे, कभी बोलते हैं 50,000 बहाली करेंगे, कभी 24,000 बहाली करेंगे, कभी पारा शिक्षक बहाली करेंगे बोलते हैं, कभी संविदा शिक्षक। क्या ये सचिव लोग शिक्षा मंत्री को ठीक से जानकारी नहीं देते हैं कि आपको क्या शिक्षक लेना है, कितना खाली है? आप बोलिए ना, एक विधानसभा अगर सीट खाली हो जाता है तो 6 महीना के अंदर बाई इलेक्शन करके वहां के विधायक बनते हैं। एक शिक्षक 7 साल से नहीं है कोई शिक्षक में, कोई स्कूल में शिक्षक नहीं है। क्या शिक्षक यही से शिक्षा हो जाएगा? क्या स्कूल शर्ट पैंट चेंज कर देने से हो जाएगा? ये ठगी है, मां झारखंड का जनता है आपको चुने हैं। 2 साल के बाद 2024 में और इलेक्शन आएगा, क्या यही बोलोगे? क्या लगता है इलेक्शन में जीत हासिल करने के लिए आप लोगों को तरह तरह का आश्वासन दिया जाता था? हाँ बिल्कुल, आश्वासन दिया जाता था इलेक्शन जीतने से पहले। वो मुख्यमंत्री जो बोलते हैं झारखंड का हृदय सम्राट, युवाओं का हृदय सम्राट, वो बोलते थे कि ये 5 लाख की नौकरी देंगे, हर साल नौकरी देंगे। लेकिन जीतने के बाद बोलते हैं सुअर पालिए। अरे भाई सुअर पालते तो हम पढ़ते क्यों? पढ़ लिख करके हम लोग ये कि हम जेटेड पास किए, हम शिक्षक सहायक शिक्षक बनने के लिए जितना अर्हता है हम उसको पास किए हैं। तो बोलिए ना, कब शिक्षक कम बनाएंगे बोलिए। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कई लोग जो है यहाँ पे मौजूद हैं। हम यहाँ पे एक और इनसे जानेंगे कि क्या कुछ कहेंगे वो, और लगातार इनकी मांगों के साथ जो है यहाँ पे लोगों की भीड़ यहाँ पे जमा है। अब भी अगर सरकार आपकी बात नहीं सुनती है तो अब आप लोग की आगे की रणनीति क्या होगी? और वैसे अभी आप लोग पैदल मार्च करके शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के आवास आप लोग जा रहे हैं। आज एक सांकेतिक आंदोलन था हम लोगों का इस बात का कि हम एक दिवसीय आंदोलन में वार्ता करें। यदि आज वार्ता नहीं होती शिक्षा मंत्री या मुख्यमंत्री से, तो आज हम लोग घोषणा करेंगे हम लोग आमरण अनशन पर जाने वाले हैं। आमरण अनशन पर हम लोग चले जाएंगे, और जब तक हमसे हमारी नियुक्ति नहीं करेगी तब तक हम आमरण अनशन में वहां पर बैठे रहेंगे। झारखंड सरकार से सारे जितने भी शिक्षित बेरोजगार हैं झारखंड के, सभी कोई प्रभावित है। सरकार कहती है कि नियमावली हम सुधार करें। भैया जो भी तुम छूते हो, ज्ञान नहीं है तो मत सुधार करो। आप एक नियुक्ति नहीं कर रही है, सारा नियुक्तियां कहाँ से हो रही है? न्यायालय के आदेश से हो रही है। न्यायालय कहती है ऐसे करो, ऐसे कर रहा है। क्या किस काम का ब्यूरोक्रेट, किस काम का विधायिका? अगर विधायिका अपना काम नहीं करने आता है, अब सर आप अगर नियमावली बनाने नहीं जानते छोड़ दीजिए, त्याग दीजिए। बहुत है। हम लोगों से कहिए ना, हम लोग नियमावली बना देंगे, हम लोग नियमावली बना देंगे। इतना तो ध्यान रहेगा, हम लोग जो बनाएंगे कोर्ट भी नहीं काट पाएगा। इतना तो ध्यान में है कि नियमता कैसे नियमावली को होना चाहिए। झारखंडियों को फायदा पहुंचाना चाहते हैं आप? पंचायत सचिव वालों को उसकी मांगों को पूरा कर दिया गया है। पंचायत सचिव वाले को सरकार ने पूरा नहीं किया है, सरकार ने नहीं पूरा किया है। आप लोग मीडिया कर्मी है, ध्यान रखिए, ये सरकार को न्यायालय आदेश दिया कि आज तक आप पंचायत सचिव के अभ्यर्थियों को गलत कर रहे थे, अब आदेश देते हैं इन लोगों को नियुक्ति कीजिए। हाथ जोड़ के सरकार खड़ी हो गई। न्यायालय से आदेश आता है, हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं। किस काम का सरकार है आप? सरकार हो भैया, नियुक्ति करने का अधिकार न्यायालय को नहीं होना चाहिए, सरकार को होना चाहिए। उनकी विफलता ये साबित करती है कि न्यायालय के आदेश से सारा नियुक्तियाँ हो रही है। जैसा कि आपने सुना कि किस तरह से इन लोगों में काफ़ी ज़्यादा आक्रोश देखने को मिल रहा है, और इन लोगों की लगातार यही मांग रही है कि इनकी जो है मांगों पे गौर किया जाए, पर सरकार जो है इनकी मांगों पर गौर नहीं कर रही। और अब इन लोगों का कहना है कि अब ये आमरण अनशन पर लगातार जो है धरने दे करके बैठ जाएंगे कि कैसे इन लोगों की मांगें भी पूरी नहीं की जाती। वैसे राज्य भर के यहाँ पे लोग यहाँ पे मौजूद है, और अब जो है पैदल मार्च निकाल करके ये लोग जगन्नाथ महतो के आवास तक जाने का काम करेंगे। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहे जीएन भारत के साथ, नेहा खान के साथ। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।